24-7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogenous teaching they are an Edited textbook publisher bismillah Raheem, assalamu alaikum teacher snowman publishes kijanap se khusham deed. In this session तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर नौ पर है जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है है, जुरत की मिसाल राशिद मिनहास शहीद आइए एक नज़र डालते हैं हौसलाते तल्लम पर हौसलाते तल्ल सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को दुरुस्त तलफ और रवानी से पढ़ सकें मौके की मुनासबत से दूसरों का शुक्रिया अदा कर सकें सवालत के दुरुस्त जवाब दे सकें किसी मौजू पर कम अज कम दस मरबूत जुमले लिख सकें मतन में शामिल नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें कम अज कम सत्तर अल्फाज पर मुश्तम इबारत एक मिनट में रवानी से पढ़ सकें बच्चों को इबारत के उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहिद उठाएंगे इबारत के उनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे तमीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं बेहतर से बेहतर तमहिद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए दर्ज ऐल सवाल की मदद से तमहद उठाएं पहला सवाल है कि बहादुर कौन होता है यह बहुत मुफीद सवाल है इस लिहाज से कि बच्चों को इस पे थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा और वो सोचकर बताएंगे कि अच्छा बहादुर कौन होता है और यहां से फिर आप दूसरा सवाल पैदा करेंगे कि क्या फौजी बहादुर होते हैं फौज कितनी किस्म की होती है ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चे इस सवाल का दुरुस्त जवाब दे पाए आप उनकी मदद करेंगे और उनको यहाँ उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों के अल्फाज जो अफवाज के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आप उनको बताएंगे बर्री फौज जिसको हम आर्मी कहते हैं बहरी फौज अब यहां जब आप बच्चों को शायद नेवी का भी ना पता हो और उनको बहरी का भी ना पता हो तो आप नेवी तो बताएंगे इसके तर्जुमे के तौर पर लेकिन बहरी लफ्स इस्तेमाल करने से पहले आप उनको बताएंगे कि बहर क्या होता है बहर समंदर तो बहरी फौज समंदरी फौज और फजाई फौज यानी एयरफोर्स सो बर्री बहरी और फ़ज़ाई फौज आर्मी नेवी और एयरफोर्स अगला सवाल है कि क्या आपने कभी कोई फिल्म देखी है जिसमें हवाई जहाजों की जंग दिखाई गई हो यकीनन सब बच्चों का जवाब में होगा इसलिए कि वो मूवीज तो देखते हैं कौन सी फौज हवाई जहाजों की जंग लड़ती है अब बच्चे इसको इसके पहले वाले सवाल से रिलेट कर पाएंगे चूँकि पहले आप पूछ चुके हैं कि फ़ौज कितनी कस्की होती है उसमें फ़जाई फ़ौज का जिक्र आ चुका है तो जाहिर है बच्चे समझ जाएंगे कि जो फौज फजा में लड़ती है वही हवाई जहाज़ों की जंग लड़ेगी लिहाजा कौन सी फ़ौज हवाई जहाज़ों की जंग लड़ती है इसका जवाब वो दे पाएंगे आप उनकी मदद भी कर देंगे कि ये फजाई फौज है या एयरफोर्स है पाकिस्तान की फजाई फौज का क्या नाम है पाक फजाइया ये शायद बच्चे न, न बता पाएं तो आप उनको बताएंगे कि पाकिस्तान की फजाई फौज का नाम है पाक फजाइया आखिरी सवाल इस जिम्न में है कि पाक फजाइया के किसी मशहूर पायलट का नाम बताए हो सकता है इस सवाल का जवाब आपको कोई बच्चा न दे पाए हाँ सिवाय इस सूरत के, के कुछ जो थोड़ा तेज बच्चे होते हैं उनको चूंकि इल्म होगा कि आप ये जो बाप पढ़ाने जा रहे हैं ये एक पायलट के बारे में है और वो पायलट का नाम है एम आलम राशिद मिन हाँ शरीक तो इस बिना पर कुछ बच्चे शायद आपको बता दें कि जी एक मशहूर पायलट है राशिद मिनहार शहीद का भी आप फिर उनको बता सकते हैं कि एम आलम ने दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम किया था एक ही वक्त में उन्होंने दुश्मन के पांच हवाई जहाज गिराए थे दर्जबाला सवाल पर मबनी गुफ्तगु के नतीजे में बच्चों को बाप के उनवान तक ले जाए तमहद के तौर बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकद के साथ इबारत की किरत करें आपके लिए मैं किरत करता हूँ जुरत की मिसाल राशिद मिनहास शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास कराची में पैदा हुए इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की उन्नीस सौ अड़सठ में सेंट पीट्रिक स्कूल कराची से सीनियर कैम्ब्रिज किया उनके खानदान के कई अफराद पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज में आला आलादों पर काम कर रहे थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो फौज में जाएं। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने मामू विंग कमांडर सईद से किया उन्होंने पहले कुहाट और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी सालपुर से तरबियत हासिल की फरवरी 1971 में पेशावर यूनिवर्सिटी से सी किया और फिर तरबियत के लिए कराची चले गए 1971 में ही वो पायलट ऑफिसर बने 20 अगस्त 1971 को राशिद मिनहास की तीसरी परवाज थी वो जहाज को रनवे पर ले जा रहे थे कि एक इंस्ट्रक्टर पायलट मतियर रहमान ने उन्हें खतरे का सिग्नल देकर रोका और तैयारे में दाखिल हो गया रहमान ने तैयारे का कंट्रोल संभाल कर उसका रुख भारतीय सरहद की तरफ मोड़ने की कोशिश की राशिद मिनहास ने फौरी तौर पर माड़ीपुर कंट्रोल टावर से रब्ता किया तो उन्हें हिदायत की गई कि हर कीमत पर तैयारा अगवा होने से बचाया जाए जब भारती सरहद सिर्फ चालीस मील दूर रह गई तो राशिद मिनहास ने एक मरतबा फिर जहाज का रुख पाकिस्तान में अपने हवाई अड्डे की तरफ मोड़ने की कोशिश की अगले पांच मिनट राशिद मिनहास और इंस्ट्रक्टर के दरमियान कश्म कश्म गुजरे अब राशिद मिनहास के पास सिर्फ ये हल रह गया कि तैयारा अगवा होने दें या अपनी जान को खतरे में डालकर तैयारे का रुख जमीन की तरफ कर दे राशि मिनहास ने अपनी जान की परवाह न की और तैयारे का रुख जमीन की तरफ कर दिया तैयारा पाकिस्तानी सरहद के करीब जमीन पर गिर कर तबाह हो गया राशिद मिनहस ने मुल्क के वकार की खातिर जान की बाजी लगा दी और शहादत का रुतबा पाया इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर का एजाज दिया गया राशिद मिनहास निशान हैदर पाने वाले जांबाजों में सबसे कम उम्र है राशिद मिनहास जैसी जहानत और जुरत की मिसाल बहुत कम मिलती है अब तलबा से बारी बारी इबारत की किरत करवाइए मुनासिब वक्फों में तलफ़ुस की दुरुस्ती कीजिए और सही तलफ़ की अदाई की मशक भी करवाइए इस जमन में दर्ज झैल अल्फाज आपकी खास दाखिल चूंकि रवानी में आमतौर पर लोग इसको दाखिल पढ़ जाते हैं तो जरा एहतियात की जरूरत है इसको दाखिल पढ़ा जाए और गलत तलफ से गुरेज किया जाए तैयारा आमतौर पर यह के ऊपर की शद को गायब कर दिया जाता है इस पर जरा जोर देकर ये पर श को पढ़ा जाना चाहिए और इसे तैयारा तैयारा नहीं तैयारा बोलना चाहिए कोशिश यहां फिर जेर जबर का मामला है एहतियात के साथ कोशिश कहना चाहिए शीन पहले शीन के नीचे जेर है राबिता अब ये लफ्ज़ ऐसा है मोहतम टीचर के अक्सर बशतर इसको गलत पढ़ दिया जाता है और बे पर जज्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है रता ये गलत है अच्छी उर्दू में तो ऐसा नहीं हो सकता रबता मरतबा यहां भी रवानी में ते पर जज्म इस्तेमाल कर दी जाती है बोलने में ये मर्तबा अगवा अक्सर बेशर इसको अगवा ही पढ़ा और बोला जाता है याद रहे कि ये लफ्ज अगवा है अगवा नहीं है तरफ रे पर जबर है और इसको नुमा करके पढ़ना चाहिए तरफ नहीं तरफ मुल्क इससे पहले भी एक से ज्यादा मरतबा इसका तलफ जेर बहस आ चुका है मुल्क कहना चाहिए मुल्क नहीं खातिर निशान निशान मिसाल मीम के नीचे जेर तलबा को मुश्किल अल्फाज के मानी बताइए समझाइए और तख्ते तहरीर पर लिखिए आपकी आसानी के लिए चंद अल्फाज और उनके मानी ख्याल में पेश किए जा रहे हैं बरी बर के मानी खुशकी के हैं और ये चूंकि तीसरी जमात की उर्दू की बात हो रही है बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि बर के मानी खुशकी हैं और इसी लिए इसकी मदद से हम लफ्स बनाते हैं बरआजम ब्राज़म यानी खुशकी का एक बहुत बड़ा इलाका और फिर हम ब्रगीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए इस्तेमाल होता है ये बर सगीर है यानी छोटा इलाका ज़रा अलग सा है इसलिए इसको बर सगीर कह देते हैं सो बर्री का मतलब है जमीनी बहरी बहर से समंदरी फजाई हवाई परवाज उड़ान सिग्नल इशारा रुख समत इगवा, भगा कर ले जाना किसी कश मकश वकार इज्जत रुतबा दर्जा यहां मोहतरम टीचर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए अल्फाज और उनके मानी से पहले हम बात करते हैं तलफुज की लेकिन आप जब इन अल्फाज के मानी बच्चों को बताएं तो उसमें भी मेरी गुजारिश ये होगी कि आप तलफ सही तलफ़ जो है उसको आप जारी रखें मानी बताते हुए भी यानी मतलब इसका यह है कि अल्फाज तो बहरहाल अल्फाज हैं उनके मानी बताते हुए भी आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें उनका तलफ भी दुरुस्त होना चाहिए मेहनत तो लगती है मौसम टीचर मगर ये कोई दो चार दिन का खेल नहीं है उम्रें लगती हैं मेहनत करेंगे लुगत बीनी जारी रखेंगे तो पूरी की पूरी जुबान पर आपको दस्तरस हासिल होती जाएगी बंद किताबों के साथ आप इबारत का मफहम बयान करें और फिर तलबा को खामोश ख़ामोशिरत का वक्त दें इसके बाद उनकी किताबें बंद करवा कर, कर मनतखब बच्चों को इबारत का मफहम बयान करने के लिए कहें अब बेहतर तफहीम के लिए ये कुछ निकात आप देख रहे हैं आप बच्चों से ये सवाल पूछ भी सकते हैं और फिर अपनी तरफ से भी उनकी मदद कर सकते हैं पायलट ऑफिसर का रैंक क्या होता है जाहिर है बच्चों को नहीं मालूम होगा ये आप उनको बताएंगे बेहतर तफीम के लिए कि ये पाक फजाइया का सबसे पहला रैंक होता है सबसे पहला रैंक जो है उसको पायलट ऑफिसर कहते हैं राशिद मिनहास ने अपना तैयारा भी तबाह कर दिया और खुद भी शहीद हो गया क्यों ये बहुत अहम सवाल है बेहतर तसीम के लिए वजह इसकी ये है कि यकीनन बच्चे भी ये सोचते होंगे पढ़ते हुए कि राशिद मिनहास ने क्यों ऐसा किया तैयारा भी उसने जान बूझ के उसका रुख चूंकि जमीन की तरफ कर दिया था और जाहिर बात है जब तैयारा अच्छी खासी रफ्तार के साथ जमीन से टकराएगा तो वह तबाह तो होगा और उसके साथ उसने अपनी जान भी दे दी खुद भी शहीद हो गया अब इस क्यों का जवाब आप बच्चों को ये बताएंगे इसमें दो बातें आप उन, उनके साथ करेंगे एक तो ये कि राशिद मिनहास को ये हिदायत थी एयरफोर्स की तरफ से कि चूंकि उसका जो इंस्ट्रक्टर था रहमान, उसकी कोशिश थी कि वो तैयारे को हिंदुस्तान ले जाए अगवा करके उसको रोकना था राशिद मिनहास को बताया गया था कि हर कीमत पर तैयारे को अगवा होने से बचाना है अब दूसरी बात यह है कि वो खुद भी शहीद हो गया उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी जान चली जाएगी तैयारे के साथ साथ वो खुद भी शहीद हो गया क्यों अब ये दोनों सवालों का जवाब ये है जो आप बच्चों को बताएंगे कि वो वतन पर कुर्बान उसने अपने मुल्क के लिए जान दी और ये ये बहादुरी का आखिरी दर्जा है आपने तमहीद में पहला सवाल पूछा था ना कि बहादुर आप बहादुर कौन होता है अब यहां आप उसके साथ इसको मुंसलिक करें और बताएं कि ऐसा होता है बहादुर जो अपनी जान की भी परवाह न करे अब यहां बेहतर तफहीम के लिए आपको यह भी पूछना है कि निशान हैदरत किस को दिया जाता है तो आप बच्चों को बताएंगे कि ये एक फौजी एजाज है जो शहादत के बाद ही मिलता है जिंदा फौजी को नहीं मिलता और शहादत कौन चाहता है बल्कि मैं कहूंगा आप बच्चों को बताएं कि शहादत एक ऐसा रुतबा है जो कौन नहीं चाहेगा जो अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दे बहादुरी के साथ लड़ते हुए और कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी मिसाल बाकी लोग उसकी शादत के बाद दें उसको मिलता है निशान हैदर अब आप चंद अलफाज का इंतख्य करें और बच्चों से कहें कि वो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपने जुमले लिखें आप उनके जुमलों की इसलाह करें और फिर नमूने के तौर पर खुद भी इन अल्फाज के जुमले बनाएं और तख्ता तहरीर पर लिखें अब हम आते हैं मुतल हासिलत ताल्लम के हवालों के साथ मश्क जुबान शिनासी और लिखाई के कुछ अहम पहलुओं की तरफ पहली सरगर्मी है आदाब गुफ्तु सफा नंबर तिरपन पर हासिल तलम इसका है आदाब गुफ्तु पहले तलबा से अख्स करवाएं पहले बच्चों से पूछे कभी आप क्या समझते हैं कि अदाब गुफ्तु क्या होते हैं हमें अच्छे तरीके से गुफ्तु कैसे करनी चाहिए और फिर आप खुद भी बताएं बच्चों को कि अदाब गुफ्तु कौन कौन से हैं। तलबा मौके की मुनासबत से दूसरों का शुक्रिया अदा कर सकते अब यह अदब गुफ्तु ऐसे सरगर्मी में लिखा है किताब में कि बच्चों से आदाब गुफ्तु के बारे में बात करें शुक्रिया अदा करने के बारे में अमली सरगर्मी करवाएं, बच्चों को आदाब गुफ्तु के दीगर अल्फाज से भी आगाह करें सलाम करना शुक्रिया अदा करना कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहना और बड़े तहमुल से बात करना दूसरे की बात को ग़ौर से सुनना उसकी बात को न काटना उसमें दखल न देना और अपनी बारी आए तो फिर बोलना ये चंद एक अहम अदाब गुफ्तु है जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए दूसरी सरगर्मी है दी गई कहानी की पढ़ाई सफा नंबर पचपन पर हासिल तालुम है इसका कि तलबा सादा और मुरकब जुमलों पर मुश्तमिल पढ़ सकें ये कहानी पहले आप बच्चों से पढ़वाएं उनके तलफज जेरोम और आवाज की असलाह करें और फिर नमूने के तौर पर खुद भी पढ़कर सुन लें मैं भी इसको सी कहानी है आपके लिए पढ़कर सुना देता हूँ एक कौवा किसी दरख्त की शाख पर बैठा था उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था एक भूखी लोमड़ी का उधर से गुजर हुआ वो खाने की किसी चीज की तलाश में थी उसने कव्वे के मुंह में टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी भराया वो दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि रोटी का टुकड़ा कव्वे से कैसे हथे आए आखिर उसे एक तरकीब सूची। लोमड़ी बोली मियाँ कव्वे वाह आज कितने प्यारे लग रहे हो तुम्हारे पर चमक रहे हैं चोंच भी बड़ी खूबसूरत है मैंने सुना है तुम गाते भी बहुत अच्छा हो मुझे भी कोई गीत सुना दो कव्वा अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया झट काएं काएं करने लगा जो ही उसने चोंच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा लोमड़ी ने झट से उठाया और चलती बनी अब इसमें से आप एक सबक भी अखज कर सकते हैं जो बच्चों का बताएंगे कि खुशामद बुरी बला है अब देखे ना खुशामद करके ही कव्वे की तो लोमड़ी ने उसका रोटी का टुकड़ा उससे हासिल कर लिया ये सेशन यहां तक ही मोहतम टीचर आपकी समात का शुक्रिया अल्लाह हाफिजन आश